ये आ गया बॉर्डर, जो रिवर है ना ये बॉर्डर ही बोलूंगा मैं, क्योंकि ये बॉर्डर के पार पूरा जंगल है भाई, एक भी गांव नहीं है, एक भी घर नहीं है। तो जो ये एफआरएच है ना बहुत पुराना है, उसकी डिटेल बाकी कुछ लिखी हुई है तो वो आपको ऑलरेडी हम दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से अंदर। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डिजोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल हैं और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो आज आपको जिस जगह पर मैं लेके आया हूँ तो वहाँ आपको लेके चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। मैं पहले भी काफ़ी बार इस फॉरेस्ट की तरफ लेके आया हूँ। तो इस फॉरेस्ट का नाम है फतेहपुर साइड, फतेहपुर के जंगल बोला जाता है। और जो आप ये एंट्री देख रहे हैं ना, जो एंट्रेंस है इसके पास ही, मतलब फॉरेस्ट का आपको रेंज ऑफिस भी मिल जाएगा और यहाँ से फॉरेस्ट भी स्टार्ट होता है। और ये अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाई हुई कैनाल है जिसको बावन डांड बोलते हैं। तो ऐसे करके जो पिलर है 52 है, जो कि गांव से अटैच करते हुए यहाँ तक है। तो ये पुरानी कैनाल सिस्टम है, इसके ऊपर नहर जा रही है। तो अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मेंटेनेंस इसकी बनी हुई है, उस टाइम की बनी हुई दीवारों की। तो बहुत मजबूत होता था पहले काम। तो बाकी अब यहाँ से फॉरेस्ट भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर सागौन और साल का तो फॉरेस्ट है ही, साथ में जैसे कि आप सबको विदित ही है जिम कॉर्बेट से सटा हुआ जंगल है, तो टाइगर टेरिटरी भी फुल है एंड हाथी की कॉरिडोर्स भी है, लेकिन यूजुअली दिखने को नहीं मिलता है। दिन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चलती है, लोगों की एक्टिविटी रहती है ना। तो हम ये तो कहेंगे नहीं कि हम दिखाएंगे या फिर दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन आपको एक फॉरेस्ट हम विजिट करेंगे जो कि बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद यहाँ से एक गांव भी है जो कि मेरा फेवरेट ही है, मेरा मतलब काफ़ी फेवरेट विलेज है, वहाँ आपको लेके चलेंगे। और साथ में एक काफ़ी ओल्ड एफआरएच है अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स गो। और आज हम जाएंगे टू व्हीलर से। तो जी गणपति बप्पा मोरिया, तो जंगल सफारी नहीं तो जंगल बिछिड़ल। सो तो चलते हैं और बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट आपको दिखाते हैं। और जी कुछ ही टाइम होता है मॉनसून का जब जंगल देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, और धीमी धीमी बरसात होती है ना, तो उस टाइम पे तो मज़ा ही आ जाता है ट्रैवल करने के लिए। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि जिम कॉर्बेट अभी जाए या ना जाए, कि ट्रैवल करें नहीं करें मानसून टाइम में। तो देखिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको बरसात हल्की फुल्की पसंद है और ग्रीनरी देखना पसंद है तो मानसून का टाइम सबसे बेस्ट है। हाँ थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि कितने दिन तक कंटिन्यू बारिश दिखा रहा है। मौसम विभाग भी आजकल सटीक अंदाज़ा 70% दे ही देता है, तो आप वो देख के विजिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ सबसे बेस्ट टाइम रहता है ये जंगल के आसपास देखने के लिए, घूमने के लिए ये टाइम। तो आप लोग आ सकते हैं और मोस्ट वेलकम जिम कॉर्बेट एंड नियर बाई प्लेसेस, ठीक है। क्योंकि ये आप जो अभी सूखा ग्रीन देख रहे हैं ना, कुछ टाइम के बाद ये सूखा ही हो जाता है। तो यहाँ तो पत्ते भी पतझड़ से सब गिर जाते हैं सागौन के, ये पूरा जंगल ही सूखा होता है बाकी टाइम। तो अभी तो बहुत खूबसूरत है, तो ऐसा ही नज़ारा खूबसूरत जिम कॉर्बेट में भी देखने को मिलेगा आपको। तो ये अभी सागौन का नेचुरल फॉरेस्ट चल रहा है, इसके बाद साल का जंगल भी आ जाएगा जो कि नेचुरल फॉरेस्ट है। और यहाँ पे देखिए पानी भी ज़बरदस्त हो रहा है भाई, अभी तो रोड से ऊपर चल रहा था लेकिन अब रोड के नीचे पानी चल रहा है। तो पहाड़ों से एकदम साफ पानी आने लग गया है, यानी कि पहाड़ों में भी ज़्यादा बारिश नहीं है। तो देखिए कुछ टाइम पहले यहाँ पे प्लांटेशन हुआ था, और अभी देखिए पूरे वृक्ष काफ़ी बड़े होने लग गए हैं सागौन के। तो ये इसलिए बरसातों के टाइम में वृक्षारोपण होता है, इस टाइम पे ना बहुत जल्दी गति से पेड़ मजबूत हो जाते हैं, और इतने मजबूत हो जाते हैं कि बाद में उनको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती, उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं।
तो जी यहाँ से अब पूरा साल का फॉरेस्ट भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ हाथी भी आ जाते हैं जंगल में, अभी कॉरिडोर भी है फतेहपुर गदगदिया, और ये अंदर से जंगल के जो रास्ते निकाले हैं कई रास्ते आपका काला डूंगी उससे आगे भी मिल जाते हैं। तो जी ये बना रखा है इको ब्रिज, जंगली जानवरों के चढ़ने के लिए, लेकिन इसकी खुद ही हालत इतनी खस्ती है तो देखो सब जगह से टूटा हुआ है, कोई जानवर बेचारा चढ़ेगा भी तो नीचे गिर जाएगा बीच रोड पर। तो ये फॉरेस्ट दिख रहा है ना, काफ़ी डेप्थ है इसकी, काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है, और ये माना जाता है कि फॉरेस्ट वालों का जो अंदाज़ा है कम से कम 8 से 10 डिफरेंट टाइगर्स हैं अंदर, बाकी तो जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपका HMT वाला एरिया भी आ जाता है, और ये नौकुचिया ताल आगे पहाड़ों तक जाता है जंगल, तो पूरा मेन शिवालिक के फॉरेस्ट हैं, टाइगर का नेचुरल हैबिटेट। जी हम निकलते हैं फॉरेस्ट से और चलते हैं विलेज की तरफ। तो जी अब यहाँ से बाहर निकल गए हैं और अब आपको लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ, जो विलेज है वहाँ पे गांव की तरफ, और साथ में जो FRH है जो मैं बता रहा था कि बहुत पुराना है वो भी दिखाते हैं। तो जो ये FRH है ना बहुत पुराना है, उसकी डिटेल बाकी कुछ लिखी हुई तो वो आपको ऑलरेडी हम दिखाएंगे, बाकी अभी किस स्थिति में है कैसा है वो भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो अभी चलते हैं यहाँ से अंदर। तो जी सामने आ चुका है FRH, तो वन विश्राम ग्रह फतेहपुर, तो इसके बारे में डिटेल भी है यहाँ पे, वो आपको पढ़ के भी दिखाते हैं। तो जी ये है वन विश्राम भवन फतेहपुर, जिसका निर्माण हुआ था 1930 में, समुद्र तल से ऊंचाई है 340 मीटर। तो ये है का काफी ओल्ड है, और दूसरी साइड से कुछ ऐसा लगता है। तो बाकी यहाँ पे विशाल बरगद का पेड़ भी है जो कि हमारा नेशनल ट्री भी है बरगद, बाकी अंदर से भी आपको दिखाते हैं। आपको डॉग है, डॉग काटे ना उसे आज। तो ये है जी, और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी पुराने पेड़ भी हैं। और बाकी ये बता दूँ कि कुछ सालों पहले, मतलब अभी लॉकडाउन की टाइम की बात है, 2 साल पुरानी, तो यहाँ पे ना टाइगर की भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी, तो इसके समीप ही टाइगर आ जाता था FRH के पास, रिवर साइड है,
तो उस दौरान यहाँ पे काफ़ी घटनाएं भी हुई थी, 7 लोगों को टाइगर ने अपना शिकार बनाया था, तो उसके बारे में भी एक विस्तृत मैंने वीडियो बनाई है। और अगर आप बोलेंगे तो एक अलग से मैं स्पेशल वीडियो भी उस पर बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें से 4 महिलाएं थी और 3 पुरुष थे। ये पूरी शिवालिक की बेल्ट जो जाती है ना काठ गोदाम तक फतेहपुर से, वो पूरी जगह पे आतंक मचाया हुआ था। और यहाँ उस टाइम में जिम कॉर्बेट से हाथी बुलाए गए थे, 2 स्पेशल हाथी जो कि गश्त में यूज़ किए जाते थे। उसकी कुछ 1.5-2 साल पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो वो भी मैं आपको एंड बटन में डाल दूँगा अगर आप देखना चाहेंगे, जिसमें मतलब वहाँ की थोड़ी बहुत स्टोरी है। जब मैं पहुँचा था तो सडन जो वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया थी, कितना डर का माहौल था, वो थोड़ा सा दिखेगा आपको। बाकी अब चलते हैं आगे की तरफ। तो जो मैं आपको बता रहा था कि टनल तो देखिए गांव तक आती है, तो जी आ गया है फिर खूबसूरत सा नजारा। और कमेंट भी करना कि ये कैसा लग रहा है आपको ये विलेज का रास्ता। है ना बहुत खूबसूरत। तो यही टाइम है दोस्तों ये जंगल और विलेज घूमने का, बस वेट क्या कर रहा हूँ, उठो और निकल पड़ो। इसमें देखो आगे क्या मस्त फ्लावर लग रहे हैं जुड़ल के। आगे काफी बटरफ्लाई भी इकट्ठा हुई है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैटलीग्रेट, जो उसके बगल में बर्ड है ना इसका नाम होता है कैटलीग्रेट। तो ये बेसिकली जो ये गाय भैंस होती है ना उसके ऊपर जो कीड़े लगे रहते हैं उनको निकालती है और खा जाती है। तो उससे फिर क्या होता है कि एक तो जो उनके कीड़े होते हैं जानवरों के वो ख़त्म हो जाते हैं और उनको अपना भूख भी मिट जाती है चिड़िया की, तो दोनों के लिए फ़ायदे की चीज़ें होती है। और बाकी यहाँ पर मचान भी है, खेतों में भी आजकल रिस्क रहता है सांपों का, तो अभी हल्द्वानी के आसपास भी खबरें आ रही हैं कि जहरीले सांप के काटने से मृत्यु हो रही है काफ़ी ज़्यादा। आसपास रामनगर में भी ये चीज़ हो रही है, क्योंकि लोगों की आदत होती है खेतों में जाने की, जंगल में नहीं सारे ये खेतों में, अपने खेतों में ही जाके कई बार सांप पहुंच जाते हैं ना आजकल बरसातों में, तो सांप होते ही निकलते ही सब जगह, तो वो ऐसे। अरे अंकल नमस्कार, मैं कह रहा हूँ ये मचान काहे के लिए बना रखी होगी ये? कोई जानवर जंगली जानवर से? तो जैसे क्या क्या जानवर आ जाते हैं यहाँ, क्या क्या जानवर दिखता है यहाँ? हाँ शेर भी आ जाए। शेर कहाँ पे आता है? अच्छा जी बड़ा वाला बाघ। हाँ और तो ऐसा हुआ है कभी गांव के जानवरों को भी मारा उसने? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा इंसानों को मारा तो वो तो थोड़ा ऊपर मारा था यहाँ से। हाँ लॉकडाउन वाले केस। मैं तो यहीं हल्द्वानी आते रहता हूँ मैं यहाँ ना घूमने के लिए, मंदिर तक जाऊँगा अभी। तो यहाँ प्लॉट ये बिक गए या अभी बिकाऊ भी है कुछ? ये वाले बिक गए। अच्छा जी हाँ ठीक। तो बीच में एक बार हाथी भी आए थे सुने थे यहाँ? हाथी तो फर्स्ट में आए थे बहुत साल पहले। अच्छा आते रहते हैं हाथी तो? आते रहते हैं। नुकसान भी पहुँचाते होंगे?
ठीक है जी, नमस्कार है। तो हाँ, वो भी बड़ी बात है। हाँ तो जी, अब चल रहे हैं हम दूसरी तरफ। इस गांव के टॉप पे आपको लेके चलते हैं, एक मंदिर है बहुत खूबसूरत सा। स्कूल बस की भी फैसिलिटी है भाई, तो स्कूल बस भी छोड़ने के लिए आ जाती है बच्चों को। और उस साइड देखिए पूरा जंगल जो मैं आपको बता रहा था, डेंस फॉरेस्ट, उसके बीच में बस एक रिवर आती है, तो अक्सर कई बार रिवर के पास भी जानवर आता है, बताते हैं गाँव वाले। ये आ गया है बॉर्डर, जो रिवर है ना ये बॉर्डर ही बोलूंगा मैं, क्योंकि ये बॉर्डर के पार पूरा जंगल है भाई, एक भी गांव नहीं है, एक भी घर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है, डेंस फॉरेस्ट है। और बीच में जब लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ ना, जब हाथी वाथी आए थे, तो यहाँ पे ना जब मैं आया था इसी एरिया में, यहाँ पे फॉरेस्ट की ड्यूटी लगती थी, और वो यहाँ से अंदर पहले लोग बाग जंगल में जाते थे या नहाने जाते थे, वो एकदम पट्टी बंद कर दिया था, कोई नहीं जा सकता था उसके बाद। और यहाँ पे काफ़ी सारे इश्तेहार भी लगाए थे, सावधान से मैन ईटर टाइगर के नाम से, क्योंकि घटना हो गई थी 7 लॉकडाउन का था, किसी मीडिया में नहीं आया उतना ज़्यादा ये। और ये आ गया मंदिर में, जय माता दी। तो उस टाइम में किसी लैम लाइट मीडिया में ज़्यादा नहीं आया था उसके बारे में। और यहाँ पे सुरक्षा के लिए देखिए फेंसिंग वगैरह भी लगाई गई थी, तब की बात है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। जय माता दी। तो अभी भी पूरे ही डांस है, तो ज़्यादा आगे तो अकेले नहीं जाएंगे हम, क्योंकि टाइगर ही नहीं, उसके अलावा लेपर्ड लेपर्ड बहुत सारा खतरा है। और फेंसिंग भी जवाब दे चुकी है, इसमें करंट भी नहीं है, ये देखिए ये टूटी हुई है। और बाकी यहाँ के बारे में हम पूरी एक डिटेल वीडियो भी तैयार करेंगे, अगर आप देखना पसंद करेंगे तो। वैसे तो मैंने कुछ कुछ स्टोरी यहाँ से रिलेटेड जो इंसिडेंट थे वो आपको प्रीवियस काफ़ी टाइम से मैं बताया भी है कई सारी वीडियोस में, नाइट ड्राइव पे या फिर डे की वीडियोस में, और जहाँ पे इंसिडेंट हुए कई जगह पे हम गए भी थे लोगों से बातचीत करने। तो ये है जी, क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम था तो सब लोग वैसे ही परेशान थे, तो टाइगर की जो स्टोरी उस टाइम में थी ये ज़्यादा उस टाइम में न्यूज़ चैनल में भी वाइब्रेट, मतलब वो वायरल वगैरह नहीं हुई ना, यूट्यूब कम्युनिटी में किसी ने कवर करा आज तक जितना किया है उसके बारे में, मैंने ही डाली है कुछ वीडियोस, बाकी करेंगे उसके बारे में विस्तृत एक पूरी जानकारी के साथ। तो जी चलते हैं फिर, है ना, और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।